सब्सक्राइब करें शर्मा सॉफ्ट चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज का तो मैं स्वागत है सभी के नए फिर वीडियो में। आज मैं ले गया बहुत से सर्वे न्यूज शर्मा से सर्वे न्यूज की तरफ से। तो जल्दी से स्टार्ट करते इस वीडियो को, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो आज की पहली न्यूज आ रही है यहाँ Xiaomi की तरफ से। Xiaomi लेके आया अपना Redmi Note 7, जो कि Xiaomi हो चुका है अलग। एक तरह से लगा लीजिए Redmi का ही फोन है Redmi Note 7, जो कि आ रहा है 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ, Snapdragon 660 प्रोसेसर। और प्राइसिंग तो इसकी सोचने वाली है, प्राइसिंग इसकी है सिर्फ 10,500 अगर देखा जाए चाइना की प्राइसिंग के हिसाब से। मगर इंडिया में क्या प्राइसिंग के हिसाब से लॉन्च होती है वो देखने की बात है। तो देखते हैं इसमें क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जरूर बता कमेंट में आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, और आपको क्या लगता है क्या होगी इसकी से प्राइसिंग। वैसे मुझे जितना लगता है कि ये 12,000 से ऊपर जाता नहीं, जो 32 GB वाला वेरियंट है इसका, 3 GB में 32 GB स्टोरेज वाला। बाकी फिर भी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जरूर बता कमेंट में आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तो अगली आ रही है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो R15, जो कि आ रहा है स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ, 6 GB रैम, इंडिया में लॉन्च हो रहा है 25,990। जैसे कि अभी मैंने बताया Xiaomi का जो Redmi का सच 7 Note 7 आने वाला है वो 10-12 के रेंज में 60 रैम रहे 660 प्रोसेसर के साथ। और ये मतलब प्राइसिंग कुछ बैठी नहीं और मज़ा कुछ आया नहीं इतना। मेरे को लगता है ऐसे ओप्पो व्यू थोड़ा ना मतलब ज़्यादा ही प्राइसिंग देते हैं ब्रांड के हिसाब से। मगर फिर भी आपके क्या वीज इसके बारे में मेरे को जरूर बताएं कमेंट में, आपको क्या लगता है कि भाई प्राइसिंग ये ओप्पो वीवो की सही है या नहीं है, और आपको क्या लगता है कि भाई ये फ़ोन वैल्यू है कि नहीं इस फ़ोन की सही या नहीं। तो अगली आ रही है Xiaomi की तरफ से, Xiaomi ने अनाउंस किया अपना मी LED TV 4X, जो कि 55 इंच का है, X Pro 55 इंच का जो पहले भी आए थे, 4K HDR TV है। प्राइसिंग इसकी 39,999 और 43 इंच 4A Pro जो 22,999, और मी साउंड बार भी लॉन्च किया जो 4,999 की है। मतलब लाइन लगा दिया, धमाल कर दिया है Xiaomi ने फिर से एक बार। तो देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जरूर बताएं कमेंट में आपको क्या ओपिनियन है इसके बारे में, और आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग तो बढ़िया दी है, चीज़ भी बढ़िया होगी या नहीं। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। वैसे अभी तक तो Xiaomi के LED वगैरह काफ़ी बिके हैं और काफ़ी सही भी रहे हैं। आपके क्या ओपिनियन है, आपने कोई परचेज किया है नहीं, मेरे को जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ ओनर की तरफ से, ओनर व्यू 20 स्मार्टफोन के प्री ऑर्डर हो गए स्टार्ट 15 जैन से। मतलब फ़ोन का डिज़ाइन तो यूनिक है और कुछ अलग भी है, हटके भी, और मुझे जितना लगता है बढ़िया भी होगी। और इसके प्री ऑर्डर दूसरे के भी स्टार्ट होने वाले जो है 29 जनवरी को, वो है स्पोर्ट ब्लूटूथ ईयरफोन्स, वो भी देखते कैसे रहता है कैसे नहीं। और फ्लैगशिप फ़ोन होगा ये एक ओनर का, मेरे के प्राइसिंग इसकी 35 से 45 के कुछ अराउंड होगी वेरियंट्स जो भी होंगे। तो बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताएं आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। प्रोसेसर की बात करें तो मेन प्रोसेसर है, मेन प्रोसेसर होगा इसमें किरिन का 980। बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं, मेरे को जरूर बताएं आपके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में, आपको क्या लगता है कि प्राइसिंग सही रहेगी और चीज कैसी रहेगी इसकी। तो अगली न्यूज आ रही है यहाँ नोकिया की तरफ से, नोकिया का 8.1 प्लस, जो कि आएगा H2H डिस्प्ले के साथ, और ऊपर होगा एक डिस्प्ले में छोटा सा होल, वो होगा हाँ कैमरे के लिए। और देखते क्या बढ़िया करेंगे इसमें और क्या रखते हैं इसके, और माइक कैसा रखते हैं, और जो ईयर स्पीकर है वो कैसे रखते हैं जो कॉलिंग के लिए यूज़ होएगे, और डुअल कैमरा है, बाकी प्रोसेसर क्या देंगे इसमें, और 5G होगा या नहीं ये भी बात है एक, मतलब देखने वाली बात है क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो रहता है आपको कैसे लगा इसके बारे में सुन के, देखते हैं क्या रहती है इसकी प्राइसिंग, क्या रहती है इसकी स्पेसिफिकेशन,
और कब लॉन्च होता है ये, वैसे अभी तो 8.1 हुआ है, मतलब 8.1 हुआ है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ लेनोवो की तरफ से, लेनोवो जेड फाइव प्रो जो कि आ रहा है 6 GB रैम और 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ। इसका भी डिज़ाइन कुछ वैसा ही है, ऊपर है छोटा सा होल कैमरे के लिए, बाकी प्रोसेसर वगैरह क्वालकॉम का कौन सा रहेगा, 855 का है वैसे, फिर भी देखते हैं। 5G स्मार्टफोन होगा ये, प्राइसिंग इसकी दमदार होगी और पाई के साथ आएगा ये, तो बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है आपको कैसे लगे इसके बारे में सुन के, और देखते हैं सबसे पहले 855 प्रोसेसर कौन सा फ़ोन लेके आता है, कौन सी कंपनी लेके आती है, कौन सा स्मार्टफोन लेके आता है और किस प्राइसिंग में लेके आता है, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो अगली न्यूज आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S10 की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट जो कि नाम शायद हो S10e के नाम से भी, और जो सैमसंग गैलेक्सी S10e या लाइट कहे और एक 10 और 10 प्लस, क्या तीनों की प्राइसिंग रहेगी, क्या तीनों की स्पेसिफिकेशन रहेगी। मेरे को जितना लगता है कि होगा होल वाला कैमरा, और दूसरी बात करें इसके फ्रंट की तो मेरे ख्याल से 10 और 10 प्लस में आपको मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर फ्रंट में, और लाइट में शायद आपको बैक में ही मिले, और देखते क्या बढ़िया रहेगा, क्या स्पेसिफिकेशन रहेगी, क्या प्रोसेसर रहेगा। 5G तो होगा ये अभी तो कन्फर्म है, बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो बताया आपको कैसे लगा इसके बारे में सुन के। तो अगली न्यूज आ रही है यहाँ हुआवे की तरफ से, हुआवे Y9 2018 वर्जन जो कि आ रहा है 6.5 इंच स्क्रीन के साथ, 15,999। प्रोसेसर कौन सा रहता है इसमें ये देखने वाली बात है, प्रोसेसर कौन सा देते हैं इसमें ये देखने वाली बात है, प्रोसेसर क्या होगा ये देखने वाली बात है। 15 जनवरी को होगा लॉन्च, और प्राइसिंग तो मैं बता ही चुका हूँ इसकी, 4000 mAh बैटरी के साथ आएगा ये फ़ोन। कलर वेरियंट इसके अलग अलग आएंगे, वही ब्लू वगैरह जो होते हैं, और भी काफ़ी सारे नए फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। मेरे ख्याल से नोच होगी इसमें, अभी तक ड्रॉप नोच या वो होल वाला सिस्टम इसमें नहीं है, मतलब होल वाला सिस्टम क्या कह रहा हूँ मैं, होल वाला जो कैमरा है वो, जो ये आएगा किरिन 9 710 प्रोसेसर के साथ जो कि नया प्रोसेसर है, और देखते क्या रहता है क्या नहीं और कैसा रहता है ये प्रोसेसर। मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर है, वैसे ये Y9 लेके आ रहा है किरिन 710 प्रोसेसर, तो देखते क्या रहता है क्या नहीं। तो अगली न्यूज आ रही है हाँ सैमसंग गैलेक्सी F की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F मतलब फोल्डेबल फोन जो आने वाले हैं, जो 2018 में शो किए थे सैमसंग डे, वो लॉन्च हो गए अब, तो देखते कैसे रहते हैं फोन, क्या बढ़िया रहेगा इस फोन के अंदर, क्या कैमरा क्वालिटी होगी, क्या स्क्रीन क्वालिटी होगी। वह सैमसंग है तो कुछ बढ़िया ही करेगा, मगर कैसे हो गए ये फ़ोन, टूटने का डर तो नहीं होगा, और क्या चीज़ें रहेगी, और 2019 में कंफर्म ये आ जाएगी, सैमसंग ने किया है, बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं, क्या प्राइसिंग रहेगी ये भी देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जो भी तरह आपको कैसा लगा इसके बारे में सुन के। तो आज के लॉन्च में आइए शोमी तरह से, शोमी मी बॉक्स 4SE जो होगा स्मार्ट सेट ऑफ बॉक्स विद पैच वॉल UI, तो ये हो चुका है लॉन्च, देखते क्या रहता है और इंडिया में क्या प्राइसिंग के साथ आएगा। वैसे अगर देखा जाए तो कुछ प्राइसिंग इसकी बनती है 1900 कुछ, मतलब बनती है इसकी प्राइसिंग अगर जो चाइना के युआन के हिसाब से देखे जाए तो 189। तो बाकी फिर भी देखते क्या रहता है क्या नहीं। मेरे को जरूरत है क्वेश्चन आपको कैसे लगे इसके बारे में सुन के, देखते क्या प्राइसिंग इंडिया में लॉन्च करते हैं, और ये आएगा 1 GB रैम 4 GB स्टोरेज के साथ और 180 तक सपोर्ट, HDMI, AV, USB पोर्ट। वैसे आपको पता है Xiaomi का है तो बढ़िया ही होगा, बाकी फिर भी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, अगले महीने और अच्छी वीडियो और अच्छी न्यूज और अच्छी बातचीत, तो चलता हुआ मैं टाटा बाय बाय सायोनारा, मिलते हैं अगले की फ्रेश वीडियो में, इसी तरह लेके आता रहा सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो फ्रेश न्यूज़।